मुझे नेशनल एंथम गाया नहीं गया, मुझे रोना आ गया। और नेशनल एंथम शुरू हुआ था तो आई रियली हैड गूज बम्स। मेरी पहचान ही कुछ ऐसी है कि दूर से देखते ही हर एक कोई पहचान लेता है ये इंडियन। हम अपने जवानों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, चाहे वो कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं उनका। वंदे मातरम। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड आदाब। टुडे इज 15th अगस्त एंड वी आर एट इंडियन एम्बेसी टोक्यो जापान टू सेलिब्रेट 72nd इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया। सो टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी वी विल बी आस्किंग सम क्वेश्चन टू आवर ओन पीपल अबाउट व्हाट दे मिस अबाउट इंडिया, हाउ दे रिप्रेजेंट देयर सेल्फ एज एन इंडियन इन फॉरेन कंट्री एंड लॉट्स ऑफ थिंग। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। हरियाणा गुड़गांव। ओके, मी टू फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा। ओके, मैं इंडिया में पुणे से हूँ। ओके, लातूर महाराष्ट्र। पटना बिहार। ओके, महाराष्ट्र। न्यू दिल्ली। ओके, अच्छा। मैं दिल्ली से हूँ। ओके, महाराष्ट्र से पुणे। आप सब महाराष्ट्र से? ओके ओके। इंडिया? आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। ओके, एक्चुअली वी आर डाइवर्सिफाइड, ईस्ट कलकत्ता एंड देन गुड़गांव, बोकारो, यूपी, बिहार। ओके, पूरा पूरा भारत में। करेक्ट करेक्ट। मैं कोल्हापुर से। अच्छा, महाराष्ट्र अमरावती। ओके, महाराष्ट्र। ओके ओके। कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, केरला। ओके। नेशनल एंथम शुरू हुआ था तो आई रियली हैड गूज बम्स बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट ओकेजन टू स्टे अवे फ्रॉम इंडिया एंड स्टिल सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, सो आई एम ग्लैड दैट आई कुड बी हियर टुडे। नेशनल एंथम चालू हो गया तो जो 56 सेकंड्स थे वो पूरा आज तक का सफ़र रिकलेक्ट हुआ कि आज तक की जर्नी कैसे थी और यहाँ तक का सफ़र। सर, नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब द फीलिंग। मुझे नेशनल एंथम गाया नहीं गया, मुझे रोना आ गया। मसाल डोसा, उस फैमिली फॉर श्योर। वी कैन नॉट मीट द कल्चर वेयर व्हाट वी हैव इन इंडिया, सो दैट वी ऑलवेज मिस। फैमिली, फ्रेंड्स, फूड। ओके, फीलिंग सिंक इन नहीं हो रही कि मतलब ठीक है मैं इंडिया से दूर आ गई, इतना वहाँ पे तो ठीक है मम्मी आगे पीछे घूमती रहती है कि यार खा लो खा लो खा लो, यहाँ पे नहीं करता हूँ कोई। ओके, खाना मिस करता हूँ। ओके, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स मिस करता हूँ। ओके, एंड फेस्टिवल्स ऑफ कोर्स। ओके, बिरयानी। यू मस्ट बी गेटिंग द बिरयानी इन जापान एज़ वेल। यहाँ पर माँ जो बनाती है वो बेस्ट होती है। पीपल आवर फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों को मिस करता हूँ। अच्छा, आई गेस खाना, मैं कोल्हापुर से हूँ तो खाना मिस करता हूँ। डेफिनेटली मिस फूड, नॉर्थ इंडियन फूड। ओके, एंड सेकेंड यस कम्युनिकेशन, यू डोंट गेट द स्पाइसेस एंड द टेस्ट व्हिच वी गेट इन इंडिया। आई मिस माय मदर फूड, फेस्टिवल्स ऑफ कोर्स। ओके, खाना मिस करते हैं। इंडिया में बनाया हुआ मदर या इंडियन जो टेस्ट है वो खुद भी यहाँ कभी बना लेते हैं तो वो नहीं आता है टेस्ट। जस्ट ओनली वर्ड इज इनफ दैट इंडिया। द अटैचमेंट बिटवीन द फैमिली दैट वी मिस हियर। श्योरली आई एम गोइंग टू मिस पुणेज गणपति फेस्टिवल। मिस द ढोल पथक एंड ऑल द फन आई गेट वी यूज्ड टू हैव विद माय फ्रेंड्स। हाउ डू यू रिप्रेजेंट यूर सेल्फ एज ए इंडियन एंड वॉट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बींग एन इंडियन इन जापान? सी, प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत कर रहे हैं, सो वी आर ऑल्सो इम्प्रेस विथ हिम, सो हम लोग वो फॉलो करते हैं यहाँ पर एंड वी इंडिया में भी फॉलो करते हैं और यहाँ पे भी फॉलो करते हैं यहाँ पे फॉर श्योर। वेरी नाइस। वी हम यहाँ पे अपने जो भी कोलीग्स हैं या हम जो हमारे जो जैपनीज पर्सन के साथ काम करते हैं, वी ऑल्सो ट्रीट लाइक देम लाइक ब्रदर, लाइक लाइक व्हाट वी से लाइक प्रधानमंत्री से कि पूरा विश्व एक फैमिली है। ग्रेट ग्रेट। जिस तरह हम लोग अपने कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरह हम लोग यहाँ भी आके इनके कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं और सो दैट वी कैन टेक गुड ऑफ देम
हम अपना कल्चर यहाँ पे शेयर करते हैं, इनका कल्चर भी समझते हैं, इसलिए इनको भी हम अच्छी अपनी जो फेस्टिवल्स हैं, अपनी गुड हैबिट्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, शेयर करते हैं। सही, मुझे तो एक्चुअली इंडियन बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरी पहचान ही कुछ ऐसी है कि दूर से देखते ही हर एक कोई पहचान लेता है ये इंडियन। वो लोग खुद मुझे आगे जब मिलते हैं और जो इंडियन बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी नज़रों में रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि भाई कोई भी जापानी हमें देख के या हमसे व्यवहार करने के बाद ये ना जाहिर करे कि भाई नहीं ये हमारे कल्चर में सेट नहीं हो सकते या ये इस लायक नहीं है, तो हम कहीं भी रोड पे चलते हैं या अपने ऑफिस में बैठते हैं या किसी से बात करते हैं तो हम अपने हर तरह के आचरण में एक भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई हमें संस्कार है, हमें अच्छी आदतें हैं, हम समय का पालन करते हैं। बस यही चीज़ें हैं जो एक देश को मान बनाती है। वेरी नाइस, proud that we are representing here in as India's people to come to Japan and study its culture and Majorly we celebrate Diwali. Okay. We come together, we eat a different kind of food and we enjoy the day. दिवाली और रामनवमी जो है इस्कॉन टेम्पल हम लोग बहुत बार जाते हैं और वहाँ सेलिब्रेट करते हैं रामनवमी। दिवाली फेस्टिवल मेजर जापान में होता है, होली होता है, गणेश फेस्टिवल टोक्यो मराठी मंडल के थ्रू होता है, तो वो एक सेलिब्रेट करते हैं। मोस्टली इन होम इन स्मॉल स्केल वी सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स इंक्लूडिंग श्रावण आल्सो। ग्रेट, वी विल हैव लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स टू कम इन द ईयर, सो आई विल डेफिनेटली मिस गणेश चतुर्थी, दिवाली, रक्षाबंधन, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, एवरीथिंग। ओके, ग्रेट। होली, दिवाली, बर्थडे, Deeply thankful from the bottom of our heart for whatever they do for us, because if they don't protect us then we stand nowhere. So thank you so much. हम जो वो सेवा कर रहे हैं हम भी अपने एंड से जितनी सेवा कर सकते हैं भारत की वो जरूर करेंगे, और वी आर थैंकफुल फॉर देयर वर्क एंड वी आर ऑलवेज बिहाइंड देम। हम अपने जवानों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, चाहे वो कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं उनका। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और हमारे दादाजी, नाना जी, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हम वो भी मिलिट्री में हैं, तो बस मेरे लिए मुझे एक ही बात बोलनी है कि जय जवान जय किसान। आपको मैसेज देने की भी हमारी लेवल नहीं है, आप है इसलिए हम है। सलाम। हमेशा हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं जवान से, कि जिस तरह वो अपनी मतलब कठिन परिस्थितियों में काम करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो उसी तरह हम भी कुछ हद तक कर सके। वैसे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है उनको हम हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज उनका जो सेक्रीफाइस है वो उतना सेक्रीफाइस सिविलियंस कभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे सेक्रीफाइस एवरीथिंग, स्टे अवे फ्रॉम होम फॉर मंथ्स टुगेदर। हम यहाँ पे 4-5 महीने हो जाते तो ऐसे लगता है यार कब घर जाएंगे, कब वेकेशन पे इंडिया जाएंगे, बट दे हैव टू स्टे ऑन द बॉर्डर टिल द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल और टिल दे गेट ऑर्डर्स दैट दे कैन मूव। सो देयर सेक्रीफाइस इज रियली ग्रेट, एंड दैट टू दे आर स्टेइंग इन लाइक -50 degrees और वेरी हॉट क्लाइमेट लाइक +40-45, सो दैट इज़ रियली कमेंडेबल। सो आप लोग ऐसे ही डटे रहिए और हम आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। रियली प्राउड ऑफ यू एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू वी फील सेफ। आप अपनी रातों की नींद गवाते हो इसलिए हम चैन से सो पाते हैं। थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। आई वांट टू से दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर इंडियन जवान एंड द ड्यूटी दे आर परफॉर्मिंग इज वेरी टफ एंड बिकॉज ऑफ देयर करेज वी आर स्टैंडिंग हियर सेफ। आप वहाँ हैं तो हम यहाँ पे हैं, वी ऑल आर सेफ हियर, सैल्यूट टू यू। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी से द जवान देन ओनली वन सॉन्ग दैट रिमाइंड्स इन टू अवर माइंड दैट इज संदेश आपके एंड वी स्लीप एट द नाइट वी कैन नो वी कैन प्रेडिक्ट दैट वील वेकअप इन द मॉर्निंग बट जवान नेवर नो वेन दे स्लीप कैन दे वेकअप इन द मॉर्निंग और कैन दे गो टू द होम। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द जवान्स। अफसोस था हमें ना मर मिट सके ये वतन तेरे लिए, पर हम जिएंगे, जल सके तो जल पड़ेंगे ये वतन तेरे लिए। सो थैंक यू एंड वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, सो प्लीज कंटिन्यू योर वर्क फॉर इंडिया। थैंक यू। इट्स बिकॉज ऑफ देम दैट वी आर फ्री टुडे एंड लाइक बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग अस, सो थैंक्स अ लॉट।
मैं इंडिया के ऑल सोल्जर्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप हमारी जान हो, आपकी वजह से ही हम सब बहुत अच्छे से जो लाइफ ऑल इंडियंस अभी जी रहे हो, आपकी वजह से ही जी रहे. अगर आप है तो हम है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है. और मैं आप सबको दिल से सलाम करती हूँ और बहुत दिल से आपके लिए दुआएं भी करती हूँ. थैंक यू देम एंड देयर फैमिलीज स्पेशली. या फॉर फैमिली इट इज डिफिकल्ट, फॉर फैमिली ऑफ सोल्जर्स आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वी आर रियली प्राउड एंड वी अंडरस्टैंड देम. सो या वी सैल्यूट देम. थैंक. हम जैसे यहाँ बाहर आए हुए हैं, हमारी फैमिली इंडिया में है, तो उनकी वजह से ही हम निश्चिंत होकर यहाँ काम कर रहे हैं. प्राउड है उनका. भारत माता की जय. वंदे मातरम.